दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं तारलक के हिंदू सेंटर में आया हूँ, जहाँ काइट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहाँ पूरे इंडियन जमा हुए हैं, सब काइट उड़ाने का आनंद ले रहे हैं। आइए यहाँ काइट का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ से काइट्स और माझा खरीद के लोग ले जा रहे हैं। यहाँ भीड़ है, काउंटर में लोग खरीद रहे हैं। देखिए, विभिन्न तरह का काइट्स और माझा उपलब्ध है। यहाँ मेला जैसा लगा हुआ है, जैसे इंडिया में किसी फेस्टिवल में या कोई उत्सव में मेला लगता है, वैसे ही यहाँ देखिए इंडियन गारमेंट्स का दुकान। ये लोग उत्साह में हैं, विभिन्न तरह के इंडियन गारमेंट्स यहाँ उपलब्ध हैं। लोग स्टॉल लगाए हुए हैं। पहले हमने देखा कि काइट्स का स्टॉल था, अब ये गारमेंट्स, फैंसी ज्वेलरीज, बच्चों के लिए गेम्स, ये सब का स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये विशेषकर महिलाओं का ड्रेस यहाँ उपलब्ध है स्टॉलों में, तो महिलाएं पतंग का आनंद भी ले रही है, शॉपिंग भी कर रही है। Thank you.
यहाँ भारतीयों के साथ साथ कुछ विदेशी भी हैं जो पतंग उत्सव का, काइट फेस्टिवल का आनंद ले रहे हैं, उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए बच्चे जवान सब आनंद ले रहे हैं, सब आनंदित हैं, एक दूसरे का पतंग काटने में लगे हुए हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। देखिए यहाँ फूड स्टॉल लगा हुआ है, विभिन्न तरह के खाना, पाव भाजी है, बड़ा पाव है, गोलगप्पा, पुचका, ये समोसा, समोसा चाट, फ्राइड राइस, इनके दाम $2 से $4 के बीच में है। ये पान भी उपलब्ध है, जो पान खाना चाहें। ये देखिए गोलगप्पे या पानी पूरी, मैंने अपने लिए बड़ा पाव लिया है। ये देखिए बड़ा ही आकर्षक देखने में, निश्चित रूप से खाने में भी वैसा ही होगा। यहाँ पार्किंग में गाड़ियों की संख्या को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितनी भीड़ है, सब यहाँ जुटे हुए हैं इस उत्सव में। लोग धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज पता चल रहा है कि सार्लेट में कितने इंडियन हैं। ये चलेगा अभी 3 घंटा तक चलेगा ये प्रोग्राम, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।